आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरब्बा। भाई आम का अचार आपने कई बार खाया होगा, चटपटा सा होता है, खाने में मज़ा आता है, लेकिन यह है स्वीट। इसको शुगर के साथ बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये रेसिपी मेरी मौसी की है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो कैरी लिए हैं, मतलब कच्चे आम लिए हैं। कोई सी भी क्वालिटी आप ले सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, इसको दबा के देखना है, पूरी तरह से कच्ची होनी चाहिए, पकी हुई नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। तो बिल्कुल कच्ची कैरी है, ये लगभग 1 किलो है। इन सभी को मैंने लगभग आधे घंटे के लिए पानी में रखा। ऐसा करने से क्या होता है, इसके अंदर जो जूस सा निकलता है ना, वो पानी में निकल जाता है। अगर आप आम भी खाते हैं ना, उसको भी इसी तरह से करना चाहिए। एक बेस्ट तरीका होता है कि आम हो, कैरी हो, उनको पानी में डुबो के रखा जाता है, जिसका जूस निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक साफ़ कपड़े से कैरी को अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए, किसी तरह का पानी नहीं होना चाहिए इसमें। कैरी का ये टॉप हटाना होगा हमको, यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से हटाना होता है। और ये जो अंदर का दिख रहा है ना, इसको भी हटा दीजिए इस तरह से, नाइफ़ को थोड़ा सीधा रखते हुए। जो जूस होता है ना, वो यहीं से निकलता है, तो ये जूस अचार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अब इसको पीलर की हेल्प से पील कर लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं काटना है, ये सफ़ेद सा नहीं निकालना है हमको, बस ऊपर का छिलका हट जाए। पीलिंग यहाँ पे हो चुकी है, अब इसकी गुठली अलग करनी है। गुठली अलग करने का तरीका ये देखिए, जैसे जैसे गुठली घूम रही है वैसे वैसे मैं नाइफ को घुमा रहा हूँ। ऐसा करने से क्या, वेस्टेज कम होएगा। बिल्कुल गुठली के पास में से ले जाना है इसको, टच करते हुए, ये देखिए। और थोड़ी बहुत अगर आ भी जाता है इसमें, ये जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आ गया इसके अंदर, तो इसको यहाँ पे स्क्रैप कर सकते हैं आप, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा इससे। तो चलिए गुठलियाँ भी हमने यहाँ पे निकाल ली है, और अब इसके छोटे छोटे से डाइस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने हैं, वरना गल जाएंगे। साइज़ ना तो बहुत बड़े होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। यहाँ पे पील भी कर लिया है और कटिंग भी हो चुकी है। अब इसका वज़न लगभग 600 से 650 ग्राम हो चुका है। यहाँ पे मैंने आधा किलो मिश्री का इस्तेमाल किया है, और ये धागे वाली मिश्री है, ये देखिए इसमें धागा होता है, तो इसका धागा निकालना ज़रूरी है। ये अनरिफाइंड शुगर होती है, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में कि क्या मिश्री को डायबिटिक लोग खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। जितनी मीठी शुगर होती है उतनी मीठी मिश्री भी होती है, बस एक अच्छा सोर्स होता है, अनरिफाइंड होता है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, हम एक चाशनी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो पानी डाल देता हूँ, 1 कप पानी। एक तार की चाशनी तैयार करनी है, जो मिश्री हमने क्रश करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे इसमें। वैसे तो हमने इसमें धागे निकाल दिए थे, लेकिन बाई चांस अगर धागा आता है तो इसमें दिख जाएगा आसानी से। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको चलाना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद में हम यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा केसर। केसर हम डाल रहे हैं कलर के लिए, अरोमा के लिए, एक अच्छा सा पीला सा कलर आ जाएगा इसमें, 2-3 चुटकी। और केसर अभी डालना है, बाद में नहीं डालना है, अभी डालेंगे तो अच्छा कलर आएगा। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, दालचीनी का टुकड़ा देखिए कैसा कलर का है, जो काला सा होता है ना उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। ये सुनहरा जो कलर होता है, बिल्कुल लकड़ी के जैसे राउंड होता है ये, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना है, और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा छोटा सा। स्टार एनिस या फूल चक्री जिसको कहते हैं, 1 पीस काफ़ी रहेगी। 5-7 हरी वाली इलायची खुशबू के लिए। थोड़ी सी मैं सौंफ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 छोटा चम्मच। अब मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहिए। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, पूरी तरह से चाशनी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं ऐड करूँगा कैरी, क्योंकि कैरी को भी पकाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, और धीमी धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए, और इसको स्क्रैप करते रहिए साइड से। इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, इसमें नींबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कैरी है इसका जो पानी है वो भी सिट्रस है, उससे क्रिस्टलाइजेशन होगा ही नहीं, तो अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस इसको बीच में स्टर करते रहिए, लगभग 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे हम। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, और ये बबल्स देख रहे हैं, बबल्स का मतलब ये है कि ये होने ही वाला है। अगर बबल्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं तो मतलब ये होने वाला है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं एक एक तार को चेक करूँ, कि भाई तार चेक करके मैं पता लगाऊँ, तो आप बबल्स देख के भी कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल हो गए हैं, अंदर तक शुगर चली गई है इसके अंदर, ये अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं, लेकिन एक भी पीस मैश नहीं हुआ है, ये देखिए। इसका टेंडर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से टेंडर होगा तो ये लंबा चलेगा। अगर आपको शुगर सिर्फ कम चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 500 ग्राम डाला तो आपको 500 ग्राम डालना है, आप 700 ग्राम के अंदर लगभग 400 ग्राम या 350 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको यहीं पे रोकते हैं। ये जो दालचीनी का टुकड़ा है इसको निकाल दीजिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर था आ चुका है, और ज़्यादा इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ साथ मैं ये फूल चक्री, मतलब कि स्टार एनिस भी निकाल रहा हूँ, बाकी चीज़ें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहें तो निकाल सकते हैं,
लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये बहुत हार्ड फ्लेवर होता है उनका, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। अभी आपको थोड़ा सा ढीला नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता चला जाएगा ये। चलिए इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये आम के टुकड़े कम और कांच के टुकड़े ज़्यादा लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही गजब, मज़ा आ गया इसको देखते ही, अल्टीमेट। अब इसको पैक कैसे करते हैं, इसको स्टोर कैसे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच का एक मैंने जार ले लिया है, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। ड्राई मतलब गीला कपड़ा भी लगाया है ना इसके अंदर, इसको इस तरह से ओपन छोड़ दीजिए आप। ऐसा करने से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ये। इसका साफ होना बहुत ज़रूरी है, अगर पानी की एक बूंद भी और नमी भी रह गई ना तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ख़राब नहीं होगा। आराम से आप 6 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक क्या, ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इतना ही बनाइए 1 से 2 महीने के लिए। ये देखिए इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, बच्चों के टिफ़िन में आप डाल सकते हैं। जिस तरह से ऑयल फूड को प्रिजर्व करता है, उसी तरह से शुगर भी फूड को प्रिजर्व करती है। होता क्या है कि शुगर कुक कर देती है, अंदर तक टेंडर कर देती है, और अंदर तक टेंडर होने की वजह से अंदर तक चली जाती है तो बाहर ख़राब ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है इसके प्रिजर्व होने का।